सो आपने देखे होगा, डिफरेंस देख लिया होगा न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम के बीच में। मेन डिफरेंस ये है देखो कि जो न्यू टैक्स है ना हमारा, उसमें टैक्स रेट कम कर दिए हैं और डिडक्शन ले लिए हमसे। सो हमें देखना रहेगा कौन सा हमारे लिए अच्छा है, जो सा हमारे लिए अच्छा होगा हम तो वो लेंगे, गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, अब टैक्स रेट में हमने जो बात करी थी ना अभी तक, वो किसके लिए करी है? रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए करी है, एचयूएफ वगैरह के लिए करी थी। तीन जने हमारे रह गए, नॉन रेजिडेंट रह गया, उसके अलावा हमारे सीनियर पर्सन, वो मतलब सॉरी फर्म और कंपनी, तीन जने ये रह गए। तो तीनों के बारे में भी एक बार देख लेते हैं क्या टैक्स रेट है, किस तरह से क्या चीजें हैं। सो सबसे पहले नॉन रेजिडेंट एसएससी, अभी तक मैंने आपको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बताया नहीं है पूरी तरह से। नॉन रेजिडेंट मान के चलो एनआरआई जिसको कहते हैं ना, विदेशी बंदा है, मतलब कभी कभी इंडिया आता है ऐसा। डिटेल में हम इस टॉपिक के बाद उसको कवर करेंगे, ठीक है। सो देखो ये वाला टॉपिक है ना हमारा, ये वाला टैक्स वाला तो हो गया हमारा। फिर ये टैक्स लेब अभी हम कर रहे हैं, इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस ही हमारा टॉपिक है। तो तब हम कवर करेंगे कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट किसको किस तरह से कहते हैं। तो अभी मान के चलो कि जो प्योरली इंडियन नहीं है ना, उसके बारे में क्या है, उसकी 2.5 लाख वाला स्लैब रेट लगेगा, जैसा ऊपर स्लैब रेट पड़े थे ना हमने बाकी रेजिडेंट के लिए वो वाले। सो मतलब ये वाला टैक्स स्लैब रेट चलेगा उसके भी, नहीं फर्क पड़ता एज क्या, मतलब नॉन रेजिडेंट के केस में सीनियर और सुपर सीनियर वाला सिस्टम है ही नहीं वहां पे। तो चाहे वो भाई 20 का है, 80 का है, 100 का है, 200 का है, उसकी है, जो भी है, वो इसी एज इसमें फाइल करेगा, 2.5 लाख तक की उसको छूट मिलेगी। सरचार्ज सेम वैसे ही जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, वही वाला सिस्टम हमारा है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% भी है जैसा ऊपर पढ़ा था। रिबेट नहीं है, अभी एक रिबेट के बारे में बात करेंगे 87A के अंदर, सेक्शन 87A। इस सेक्शन को याद रखना, मैंने सेक्शन का रेफरेंस बहुत कम दिए, जहां जहां दिए वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए रेफर कर रहे हैं, उनको याद रखना, वो डे टू डे लैंग्वेज में यूज होते हैं, बाकी को इतना ज्यादा सेक्शन याद करके कोई फायदा नहीं है। सो मतलब इन शॉर्ट, अगर कोई एनआरआई है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है, ठीक है, इंडिविजुअल हो गया मतलब, सो अगर हम उसको कहते हैं, सो उसके केस में 2.5 लाख वाला स्लैब चलेगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा, वही सरचार्ज वही सेस, बस उसके ऊपर एक 87A की डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर यहां तक? अब इसकी 87A की डिडक्शन होती क्या है, मैंने लिखी नहीं है, लिख लिया ना अपने पास, पता नहीं शायद बाद वाली स्लाइड में है या नहीं है, आप नोट डाउन कर लेना। लीगल लैंग्वेज पे नहीं जाते, लीगल लैंग्वेज उसकी काफी कॉम्प्लिकेटेड सी है, कंफ्यूजिंग सी रहती है, सिंपल सा समझो। 87A ये कहता है कि अगर आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपए तक की है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा की आपको रिबेट मिल जाएगी। मतलब 2.5 लाख रुपए तक तो वैसे ही टैक्स नहीं है, बात समझ में आ रही है, 2.5 लाख रुपए तक तो वैसे ही टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम आ रही है मैक्सिमम 5 लाख रुपए, तो बाकी की जो 2.5 लाख बची, ठीक है ना, उसके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं देना, वो 87A के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर? पहले 2.5 लाख पे मना है टैक्स देना ही है, बाद वाले पे कितना देना था, मैं 5% देना था ना, इस पे कितना देना था, 5% देना था, मगर आपकी अगर 5 लाख तक की इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सब माफ हो जाएगा। बट पता है क्या, अब इसका रिबेट का असर क्या पड़ गया, रिबेट आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये रिबेट करके क्यों बोला है कि भाई आने वाले बाकी 2.5 साल लाइफ जो है उसके ऊपर भी आपको मतलब छूट मिल जाएगी, तो सीधा बोल देते कि भाई 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, जब देना ही था तुम्हें, नहीं, वहां पे 5 लाख तक की इनकम है तो ये छूट मिलेगी, 5 लाख से ऊपर का हो गया ना तो फिर ये वाला टैक्स स्लैब चल जाएंगे, फिर पता है क्या होगा, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% देना होगा। इसलिए अगर आपकी 5 लाख की इनकम है कोई टैक्स नहीं देना है, जैसे ही 5 लाख 1 रुपए भी हो गई ना आपको, फिर आपको 2.5 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स देना पड़ेगा, फिर 2.5 लाख से ऊपर कितने, 2.5 लाख रुपए, उसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ जाएगा, 5%, और 1 रुपए के ऊपर 20%, 20 पैसा उसके ऊपर देना पड़ेगा। तो मतलब जब भी होता है तो ऐसे में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन समझो, हम टैक्स को अगर 5 लाख से थोड़ा आसपास है ना, 5.25 लाख रुपए तक, 5.5 लाख रुपए तक भी है, तो उसको कोशिश करते हैं 5 लाख से नीचे नीचे मार जाए, ताकि हमारा क्या टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। सो रिबेट का ये बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, लोग जब ऐसा हुआ था कि ये गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था ना कि आपको रिबेट मिल जाएगी, तो मीडिया ने क्या करा, हर जगह क्या हल्ला मचाया, 5 लाख तक टैक्स नहीं, 5 लाख तक टैक्स नहीं। अब हर कोई सोचता है कि भाई 5 लाख तक मुझे टैक्स नहीं है, तो अगर 10 लाख की इनकम है तो शुरू के 5 लाख तक मुझे टैक्स देना ही नहीं है, बाद के 5 लाख तक देना ना,
ये बेनिफिट सिर्फ उनके लिए, अगर आपकी नेट इनकम फाइनल इनकम आई 5 लाख के अंदर या 10 लाख के ऊपर आ गया ना, अगर मतलब फॉर एग्जांपल आपकी 10 लाख हो गई, तो फिर नॉर्मल सिस्टम पे देना पड़ेगा आपको, फिर रिबेट नहीं मिलेगी 87A की। क्लियर है? तो 87A की रिबेट कब है? जब नेट इनकम आपकी कितनी है 5 लाख से नीचे, वरना वो छूट नहीं है, फिर तो इसी स्लैब रेट पे चलो आप। चलिए अभी हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी आप इसको एक बार अपने आप चेक करना, सारा क्लियर होना शुरू होगा। एसएससी है, कौन? मिस्टर मोहन है, रेजिडेंट है। पहले तो देखो भाई क्या स्टेटस है, रेजिडेंट है मतलब भाई पहले वाली केस, ठीक। इंडिविजुअल ऑफ 40 इयर्स, 40 साल है, मतलब 60 से नीचे है, वो 2.5 लाख वाला स्लैब रेट आ जाएगा। 87A पे रिडक्शन मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि टोटल इनकम अभी कितनी है इनकी, 2.6 लाख है, ठीक है। 5 लाख से नीचे की इनकम है ना, तो 87A पे डिडक्शन मिल जाएगी। अब इसके ऊपर टैक्स रेट कितना आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनका क्या है, 2.5 लाख तक तो वैसे ही माफ था, और बाकी के 2.5 लाख तक का किसके कारण माफ है? 87A के कारण माफ है, ठीक है, क्योंकि नेट टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है। नॉन रेजिडेंट है भाई, इनकम तो 5 लाख से नीचे है लेकिन नॉन रेजिडेंट है, इसलिए इस पे 87A की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 2.5 लाख से ऊपर कितने होंगे, 25,000 के ऊपर 5% पे करना पड़ेगा। क्लियर? इसके ऊपर आप कैलकुलेट कर लोगे रेजिडेंट ये वाला। हाँ अब ये देखते हैं, रेजिडेंट है 21 वाला है, 2.5 लाख वाला स्लैब आया, बट इनकम 5 लाख से ऊपर होगी। OMG, अब क्या ऑफ हो जाएगा? अब आपको ना टैक्स पूरे पे देना पड़ेगा, अब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी 87A की। अब आपको 87A की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सो आपको क्या करना होगा, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, बाद के 2.5 लाख पे 5%, और बाद के 10,000 पे 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो एक बार इसको कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। इसके सारे सॉल्यूशन नीचे दिया है, यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट उसमें हम कवर कर लेते हैं जो हमारा टैक्स स्लैब रेट है ना कंपनी के और फर्म के, उसको कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।